हाय एवरीवन, माय नेम इज भास्कर। यू आर वाचिंग फॉर कोड फॉर एजुकेशन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं गाइस, आज हम सीखेंगे रिस्पॉन्सिव हीरो स्लेडर विद बूटस्ट्रैप 4। ओके, और इस वीडियो में क्या है कि जो हम स्लेडर यूज करेंगे ना गाइस, उसके साथ हम एनिमेशन भी यूज करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है गाइस एंड नॉलेजेबल वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा। एंड सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ प्रॉपर ये वर्क कैसा कर रहा है। ये देखिए गाइस, आपका एनिमेशन हो रहा है, एनिमेट करके आ रही है चीजें। जो आपका कैप्शन होता है उसके नीचे हमने कैप्शन दिया है एंड उसके नीचे एक बटन यूज करा है हमने। ओके, नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए गाइस, प्रॉपर वर्किंग है ये। और इसको मैं रिस्पॉन्सिव में ही दिखा देता हूं आपको कि रिस्पॉन्सिव में कैसे दिखेगा। ये देखिए गाइस, यहाँ पे भी आपका प्रॉपर वर्किंग है ये। हर स्क्रीन के लिए आपका वर्किंग है, आप फोन में भी देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ठीक है गाइस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना गाइस, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर फॉलो करें। उससे होगा क्या गाइस कि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए फंडामेंटल के पोस्ट डालता हूँ, देखिए, जिससे कि आपकी नॉलेज गेन हो सके। और आप मेरे से डायरेक्ट क्वेरी भी कर सकते हैं रिलेटेड क्वेश्चन, वर्क, एनीथिंग। ओके, और जो आज हम इसमें यूज करेंगे वो है बूटस्ट्रैप 4 का। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे आप एंड एडिटर पे चलने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या क्या यूज किया हुआ है, जिससे कि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया गाइस कि यहाँ पे हम 4.3 जो बूटस्ट्रैप का यूज कर रहे हैं वो है हमारा। एंड इसके बाद आपका है यहाँ पे हम एनिमेट डॉट सी एस एस का हम यहाँ पे सीड इन लगा रहे हैं। एंड इसके बाद हम यूज कर रहे हैं फॉन्ट ऑसम 5। ओके, इसके बाद क्या है कि हमारी जो सी एस एस होने वाली है वो मिनिमम सी एस एस होगी बहुत, बट उसके लिए भी हमें अपनी फाइल बनानी है, तो एक्सटेंड फाइल मैंने बना के यहाँ पे लिंक करवाया हुआ है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट आपको जो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है जेक्वेरी, एंड उसके बाद आपका बूटस्ट्रैप की जेएस, देखिए गाइस। ओके, एंड उसके बाद में लास्ट में जो जेएस है हमारे पास वो है एनिमेट डॉट सी एस एस की, जो जेएस से हम एनिमेशन कर रहे हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा। तो सबसे पहले क्या है कि मैं आपको समझा देता हूँ कि हम कौन सा स्लाइडर यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए एक बार ब्राउजर पे चलते हैं अगेन। एंड यहाँ से मैं आप देख रहे हैं गाइस, ये स्लाइडर हम यूज करने वाले हैं। इसमें क्या है कि आपके पास नेविगेशन भी आ जाते हैं एंड लेफ्ट एंड राइट के आपके नेविगेशन भी हैं आपके पास। ओके, बस इसमें क्या है कि आपके पास कैप्शंस नहीं है, तो कैप्शन हम एड ऑन करेंगे। तो वो एड ऑन कैसे करेंगे, तो इसी स्लाइडर का आपने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे अपना HTML रेडी किया हुआ है। तो HTML मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि मेरे को वीडियो काफी लंबी ना हो सके और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझा सकूँ डिटेलिंग में। तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ, इसमें सबसे ऊपर मैं चलता हूँ और आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं करके आ रहा हूँ, यहाँ पे एक कंटेनर फ्लूड ले रहे हैं, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, एक डिव लिया हमने। एंड इसमें P0 इट मीन्स की लाइक की पैडिंग आपका 0 रहेगा चारों तरफ से। ओके, उसके बाद क्या है कि आपका ये डिव है, ये डिव आपका किस चीज के लिए स्टार्ट हो रहा है, ये आपका कर्सर स्टार्ट कर रहा है। उस पर हमने स्लाइडर लिया है एंड स्लाइड के बाद हमने हीरो स्लाइडर लिया है। ओके, एंड इसके अंदर जो नेविगेशन का पार्ट हमें मिलता है वो है बाय डिफॉल्ट का, इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया है गाइस। इसके बाद क्या है कि जो हमारा फर्स्ट डिव है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा पेरेंट है, इस पेरेंट के अंदर ही हमारे सारे कंटेंट होंगे। तो उसके बाद जो हमारा पहला आइटम आता है ना, वो आइटम ये हमारे बूटस्ट्रैप की क्लास ही है गाइस। उसके बाद एक एक्टिव, जो फर्स्ट आपको एक्टिव करना है, आपको चेंज भी कर सकते हो, सेकंड में डाल दो, थर्ड पे डाल दो, फोर्थ पे डाल दो। ओके, उसके बाद एक मैंने क्लास ली है बॉट, इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम करेंगे आपका कि इमेज यूज करेंगे गाइस, जो आप बैकग्राउंड में इमेज देख रहे हैं ना वो यूज करेंगे हम इसके अंदर। इसके बाद हम कंटेनर यूज कर रहे हैं इसके अंदर, और 100 ये क्लास आपकी बूटस्ट्रैप की है, H100 इट मीन्स की लाइक 100% की हाइट हो गई आपकी। ओके, और ये क्या है कि DMD ब्लॉक, इट मीन्स की MD पे ना डिस्प्ले ब्लॉक रहेगा आपका। ओके, एंड उसके अंदर हम रो ले रहे हैं, रो पे हम अलाइन आइटम सेंटर कर रहे हैं एंड अगेन आपका 100% की हाइट कर रहे हैं गाइस। ओके, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल 12 ले रहे हैं, इट मीन्स कि मोबाइल पे फुल स्क्रीन पे रहेगा, कि फुल विड्थ ले रहा है। एंड उसके बाद आपका यही है कि MD9 पे ये 9 लेगा आपका, 3 छोड़ देगा आपका, एंड यहाँ पे 7 लेगा LG पे, एंड यहाँ पे XL पे 6 लेगा। ओके, एंड इसके अंदर जो डिव है ना आपका, उस पर हमने एक कैप्शन लिया है, एनिमेट की एक क्लास ली है हमने, एड ऑन करी है, मैं आपको दिखाऊंगा ये कहाँ से यूज कर रहे हैं, एंड फेड इन। ओके, ये पूरा डिव आपका फेड इन होके आएगा, ये कैसे कर रहे हैं हम देखेंगे वीडियो में। ये H2 है आपका, H2 पे हमारा एक टाइटल है, इस टाइटल पे हमने क्या करा है, यहाँ पे एनिमेट की CSS की कॉल कराई हुई है, एंड उसके साथ आपका ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास फेड इन लेफ्ट है। ओके,
ये लेफ्ट की तरफ से फेड इन होते हुए आएगा, एंड पी पे हमने सेम चीज करी है बट वो राइट की तरफ से फेड इन होते हुए आएगा। ओके एंड उसके नीचे एक एंकर टैग है, एंकर टैग पे हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम उसको बना रहे हैं आपका बटन, और बटन पे हमने एनिमेट फेड इन अप कि ये आपका नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ओके एंड बीटीएन लिया एक हमने जो बूटस्ट्रैप का बाय डिफॉल्ट होता है, एंड उसके बाद हमारा एक अपनी क्लास होगी जिसको हम मॉडिफिकेशन करेंगे बटन के लिए, और यही डिव मेरा क्या है कि कॉपी पेस्ट चल रहा है गाइस, इसी डिव को मैंने कॉपी करके यहाँ पे लिया है, बस हमने क्या करा यहाँ चेंज कर दिया है एंड कंटेंट चेंज कर दिया, दैट्स इट, और कुछ चेंज नहीं किया है। इसके बाद थर्ड डिव भी आपका देखेंगे ना तो यहाँ पे हमारी क्लास चेंज है एंड यहाँ पे कंटेंट चेंज है और कुछ चेंज नहीं है गाइस। उसके नीचे जो आपका नेविगेशन का पार्ट मिलता है ना वो आपका वही बूटस्ट्रैप का बाय डिफॉल्ट जो प्रीवियस एंड नेक्स्ट का मिलता है हमें, तो ये पार्ट हमारा क्या है कि बूटस्ट्रैप का पूरा। तो ये पूरा का पूरा एक्सटीमल आपको मैंने समझा दिया है कि कैसे हो रही है एंड क्या चीज हम इसमें कर रहे हैं। ओके इसके बाद ब्राउजर पे जब हम चलेंगे ना तो ब्राउजर पे आने के बाद सबसे पहले अभी आपको ये इस तरह का कुछ दिख रहेगा। ओके आप देख रहे हैं ये चीज अभी हमारी ये रही। अब इसके बाद क्या है कि अब हमें इसको मॉडिफिकेशन करना है। अभी आपका स्लाइडर चल रहा है, एनिमेट चल रहा है। ओके तो ये कैसे चल रहा है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एनिमेट की क्लास जो हुई है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि हाँ वो कैसे यूज करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में, कैसे एनिमेट डॉट सीएसएस को यूज कर सकते हैं और आप उससे आपको बेनिफिट होगा क्या। उससे पहले क्या है कि हम पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड को तैयार कर लेते हैं कि जिससे हमारा डिजाइन है वो हमें दिख सके और रेडी हो सके। ओके तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे कोरोजन लेंगे हम यहाँ पे। ओके एंड इसके बाद इसी के अंदर जो आइटम है ना उस पे जो हमने एक सेपरेट क्लास दी है ना गाइस, अब जैसे बॉट की दी थी हमने, तो यहाँ पे हम करेंगे बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, यूआरएल के हमारे पास क्या है कि इमेजेस है। ओके पहले कोट्स में ले लेते हैं स्लैश, एंड इसके बाद मैंने तीन इमेजेस ली हुई है बीजी वन। ओके इसी को कॉपी पेस्ट करके मैं तीनों के लिए लगा लूंगा, एंड हमारा जो सेकंड होगा वो होगा आपका सी एंड थर्ड वन होगा आपका रिवर। ओके ये पार्ट तो हुआ किसका आपका, ये पार्ट हुआ आपका बैकग्राउंड का। जब आप जाएंगे सेव करेंगे एंड ब्राउजर पे चलेंगे ना तो आपको अभी इस तरीके का कुछ दिख रहा है। ओके क्यों ये पूरे इमेज पूरी बैकग्राउंड पे कवर नहीं हो पा रही, तो उसके लिए करेंगे क्या, उसके लिए चलते हैं हम अपने सीएसएस पे एंड सीएसएस पे यहाँ पे लिखेंगे हैश। ओके एंड इसके बाद आइटम को ही हम डिजाइन करेंगे, इसमें हम हाइट देंगे इसको 100 वीएच की। ओके गाइस एंड विड्थ देंगे आपका 100 वीएच की, हाइट देने के बाद क्या होगा गाइस कि वो फुल हाइट ले लेगा स्क्रीन के हिसाब से, एंड इसमें मिन जो मिनिमम रहना ही चाहिए उतनी हाइट वो हम देंगे आपका 350 की। ओके एंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में क्या करेंगे हम एक ही लाइन में हमारा क्या है कि सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर लेंगे, नो रिपीट सेंटर सेंटर, ये नो रिपीट मींस कि बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी है, एंड सेंटर एंड सेंटर क्या है कि बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी है। ओके एंड इसके बाद में लास्ट हम स्क्रॉल यूज कर रहे हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। इसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, बैकग्राउंड साइज यूज करेंगे गाइस कवर। ओके ये चीज हो गई हमारी इसकी जो आइटम है, ये क्लास कहाँ पे मैं आपको एक बार एचटीएमएल पे दिखा देता हूँ जिससे कि आपकी कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए गाइस ये सारी क्लासेस मैं आपको बंद कर देता हूँ, ये देखिए इस चीज को हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं बेसिकली। तो ब्राउजर पे जब हम चलेंगे ना ये देखिए आपकी इमेज पूरी फुल स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से चल रही है, हाइट के हिसाब से चल रही है, एंड ये आपका बायस बूटस्ट्रैप के है तो बूटस्ट्रैप का आपका स्लाइडर चल ही रहा है आपका, ठीक है। अब क्या है कि गाइस यहाँ पे अभी हमने चेंज नहीं करी इमेज, अभी यहाँ पे इमेज एक जैसी ही आ रही है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे बीजी टू बीजी थ्री। ओके जब आप ब्राउजर पे चलेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपके पास ये है इमेज, एंड देन उसके बाद में सेकेंड, ओके एंड देन उसके बाद में थर्ड वन। ओके अब क्या करना है गाइस इसके साथ, अब मेरे को उसके अंदर के कंटेंट के हिसाब से उसके पे ट्रांजिशन एंड उसकी स्टाइलिंग करनी है। सबसे पहले इनर के बाद आपका अगेन, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ट्रांजिशन यूज करेंगे गाइस वेबकिट। ओके ट्रांसफॉर्म 2S इजी। ओके एंड इसी चीज को जो हम वेबकिट जिस पे डिपेंड कर रहे हैं गाइस, इस चीज के लिए हम किस लिए कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं, वो कर रहे हैं हम ट्रांजिशन एंड यहां से ट्रांसफॉर्म। ओके ये चीज है, एंड इसके बाद में
एक और ट्रांजिशन हम यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टीज इसलिए यूज कर रहे हैं गाइस कि ब्राउजर आपका सपोर्ट कर सके आपकी 2D एंड 3D क्लासेस को, तो वो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं। वेबकिट आपका बेसिकली क्रोम एंड सफारी के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे हमने अगेन इसको डिफाइन कर दिया गाइस। तो ये किसके लिए हमने करा है कि आइटम पे हमारे जो ट्रांजिशन चल रही है ना वो स्मूथली वर्क करें। ओके, अगेन लेते हैं क्लास को एंड इसके अंदर आइटम, आइटम के बाद डॉट कैप्शन। ये कैप्शन क्लास कहाँ यूज कर रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ गाइस। एंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ से RGBA इसके अंदर हम ब्लैक कलर को ही लेंगे बट थोड़ा लाइटर वर्जन लेंगे इसका, तो हम कॉमा 0.5। ओके, इसके बाद हम पैडिंग यूज करेंगे 40 पिक्सल के, कलर यूज करेंगे, कलर में हम करेंगे यहाँ से वाइट। ओके, एनिमेशन, ओके एनिमेशन ड्यूरेशन होगा आपका वो होगा 1 सेकेंड का। ओके, एनिमेशन डिले, डिले लगाएंगे आपका 2 सेकेंड का। ओके, ये किसके लिए लगा रहे हैं हम, कैप्शन के लिए लगा रहे हैं गाइस। कैप्शन कहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। कैप्शन हमारा जब आइटम है, आइटम के अंदर हमने कंटेनर दिया है, कंटेनर के अंदर रो है एंड देन उसके बाद आपका कॉल, जो हम कॉल MDSM LG XL जो यूज करते हैं, उसके बाद हमारा ये कैप्शन ये रहा गाइस, जिसके अंदर हमने अपना कंटेंट रखा है जो हम शो कराना चाहते हैं, जिसमें हमारी क्या हेडलाइन है, पैराग्राफ है, बटन है। ओके, एंड इसके बाद जब हम इसे सेव करेंगे, ब्राउजर पे चलेंगे, देखिए गाइस अभी क्या है कि आपका विजिबल है, आपका कंटेंट हो रहा है, जो हमने कंटेंट दिया है उस पर लाइट बैकग्राउंड कलर आ रहा है एंड हमारा टेक्स्ट विजिबल हो रहा है बिकॉज वाइट कलर की वजह से। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप यूज करेंगे इसमें, इसमें करेंगे हम कैप्शन। ओके, कैप्शन के अंदर जो H2 है ना गाइस, हम पर्टिकुलर पार्ट को भी एनिमेशन करेंगे गाइस। ओके, इसमें भी ड्यूरेशन यूज करेंगे एंड इसको करेंगे 1s एंड एनिमेशन डिले में करेंगे आपका 2s। ठीक है, इसके बाद सेम चीज उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे हम पी के लिए, बिकॉज पैराग्राफ को भी हमें करना ही है, तो मैं आपको एक बार में करके ही दिखा देता हूँ। इसे 1 रखा है हमने एंड यहाँ से थोड़ा सा डिले कर देते हैं, हल्का सा 2.2। ओके, एंड इसके बाद एंकर टैग को भी कर ही देते हैं, एंकर टैग में यहाँ से क्या है ए। ओके, एंड इसके बाद में 1 ही 1 रहेगा एंड यहाँ पे होगा आपका 4। सबके बीच में बस थोड़ा सा चेंजेस है कि लाइक हमने यहाँ 2, 2.2 एंड 2.4। ओके, तो ये हो गया हमारा एनिमेशन का पार्ट। ये हमने किसके लिए करा है, मैंने आप ये आपको दिखाया कि ये हमारा ये पार्ट है। जब हम ब्राउजर पे चलेंगे ना गाइस एंड देखेंगे ना, तो देखिए आप देख रहे हैं ये जो लेफ्ट एंड राइट से आ रहा है वो तो हमारा animate.css से आ रहा है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड जो डिले एंड जो आपका लगाया है वो हमने इससे लगाया हमारी css से। ओके, एंड इसके बाद जो हम करेंगे इसमें वो हम करेंगे बटन के लिए डिजाइन। तो बटन के लिए जो डिजाइन करना है, बटन पे जो हमने क्लास दी थी बट उसको कॉपी करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे डिस्प्ले लाइन ब्लॉक एंड इसकी मिनिमम विड्थ जो होगी ना गाइस वो 160 पिक्सल तो होगी ही, हाइट जो होगी ना गाइस वो होगी आपके 60 पिक्सल की एंड इसके बाद कलर होगा आपका वाइट, बॉर्डर को नन करेंगे हम। ओके, ओके, एंड इसके बाद जो हम लेंगे आपका बॉर्डर लेफ्ट लेंगे, पहले मैं हमने क्या करा बॉर्डर को चारों तरफ से बंद कर दिया, देन उसके बाद में हम लेफ्ट पे ही देना चाहते हैं तो हम लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं एंड यहाँ से कलर डिफाइन करेंगे 1C83 एंड 1.4। ओके, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे बॉर्डर रेडियस 0 कर देंगे जो बाय डिफॉल्ट बूट शेप का आता है। पैडिंग लेंगे हम टॉप से 0 बॉटम से 0 एंड लेफ्ट एंड राइट से 30 पिक्सल का होगा एंड फॉन्ट साइज जो होगा आपका वो होगा गाइस आपका 16 पिक्सल का। ठीक है, लाइन हाइट होगी आपकी, लाइन हाइट में क्या करेंगे 58 पिक्सल का कर देंगे एंड फॉन्ट वेट हो जाएगा आपका 600 का एंड यहाँ से वेबकिट यूज करेंगे अगेन। किस चीज के लिए, हम ट्रांजिशन के लिए गाइस। ओके, बिकॉज हम ट्रांजिशन यूज कर रहे हैं इसमें काफी ज्यादा, उसके लिए हम यहाँ करेंगे 500 मिली सेकेंड। ओके,
एंड इसके बाद इसी चीज को हम नीचे भी डिफाइन करें प्रॉपर्टी, एंड यहाँ से टैक्स ट्रांसफॉर्म में क्या करेंगे, कैपिटलाइज। ओके, यहाँ से बैकग्राउंड कलर लेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में हम क्या लेंगे, बैकग्राउंड कलर में हम यहाँ पे कलर देंगे 40 BA 37, ठीक है। ये किसके लिए है गाइस, ये बटन के लिए, बटन के लिए मैंने आपको क्लास दिखाई है अभी, ये क्लास मेरी। ओके, ब्राउजर पे चलेंगे ना तो देखेंगे यहाँ पे आपका क्या है कि जब स्लाइडर को क्या आएगा, ये देखिए आपका बटन विजिबल है गाइस। ओके, देख रहे हैं ये बटन विजिबल हो रहा है। इसके बाद क्या करना है गाइस, होवर पे थोड़ी सी मूवमेंट को चेंज करते हैं इसकी, तो होवर की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले होवर, एंड होवर के साथ में इसी प्रॉपर्टी पे हम क्या करेंगे, जब एक्टिव हो ये ग्रुपिंग कर रहे हैं बेसिकली हम गाइस इस पे, एंड फोकस भी ले ही लेते हैं हम इस पे, ठीक है। मैंने तीनों चीज़ों को ग्रुप कर दिया है, एंड उसके बाद यहाँ से साइज़ होगा आपका 16 पिक्सल का, ठीक है। फॉन्ट वेट वैसा ही रखेंगे हम जो पहले था 600 का, ठीक है। उसके बाद कलर होगा आपका वाइट, जैसे कि अभी ओवर करने पे आपको देखा था ब्लैक हो रहा था टेक्स्ट हमारा, उसे हमने वाइट करा है। एंड बैकग्राउंड कलर जो है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से #1, ओके। एंड उसके बाद हम करेंगे यहाँ से बॉर्डर कलर, एंड बॉर्डर कलर को हमने थोड़ा सा क्या कर दिया 40, ठीक है, BA 37, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि बटन की हमारी CSS कंप्लीट हो गई है गाइस, एंड जब हम ब्राउजर पे चलेंगे ना उसके बाद देखेंगे, ये देखिए गाइस ओवर करने पे आपका, ये देखिए बटन पे भी आपका थोड़ा डार्क बैकग्राउंड आ रहा है, एंड टेक्स्ट तो हमारा वाइट रहेगा ही, ओके। एंड जब उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे ना तो ये एनिमेट कर रहा है गाइस। अब इसमें एनिमेट कहाँ से ये वर्किंग कर रही है चीज़ें, ये एनिमेट डॉट, ये फेड इन फेड राइट, ये चीज़ें कैसे चल रही हैं, उसके लिए क्या है कि आप ये देख रहे हैं मैंने यहाँ ब्राउजर पे खोला हुआ है गाइस एनिमेट डॉट CSS का। इसमें क्या है कि आपके पास ये एलिमेंट्स हैं, ओके। यहाँ पे क्या है कि ये रिएक्ट के फंक्शन के हिसाब से भी बता रहे हैं, एंड नए वर्जन के हिसाब से भी बता रहे हैं कि आप कॉल करवाइए यहाँ पे, एंड देन उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। एंड यूज़ करने के लिए क्या है कि आपको, आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एनिमेट डॉट CSS सर्च करा है, एंड गिटहब का अकाउंट मेरे को मिला है, एंड यहाँ से ये प्रॉपर्टीज देख रहे हैं आप, इन्हीं को यूज़ करके मैंने आपको यहाँ पे एनिमेशन चला के दिखाई है कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ पे मेंशन करते हैं, यहाँ पे डेली अपडेट्स आते हैं इनके गिटहब में, एंड उसको यूज़ करके जो मैंने आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव स्लाइडर बना के दिखाया है वो ये रहा। तो हम एक बार इसको रिस्पॉन्सिव भी टेस्ट कर लेते हैं, ये देखिए गाइस, ओके, ये आपका रिस्पॉन्सिव है गाइस। और सारे के सारे लिंक, जितने भी मैं लिंक्स यूज़ कर रहा हूँ ना गाइस, वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगे, एंड डिस्क्रिप्शन में आपका क्या है कि मेरा आपका टेलीग्राम का ग्रुप भी मैंने मेंशन करा हुआ है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करिए, एंड वहाँ पे आप क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने फ़ोन दिखा दिया आपको, एंड उसके बाद आप टैब देख लीजिए, आईपैड पे आ जाइए, आईपैड प्रो पे आ जाइए, एवरीथिंग गाइस, सारी स्क्रीन पे आपका प्रॉपरली वर्किंग है, ये देख रहे हैं स्लाइडर। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव स्लाइडर रेडी हो गया है गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम फेसबुक एंड ट्विटर पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय गाइस।